भाई अवध मोहन जी के प्रति और भाई राजेश वल्लभ जी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया कि बच्चियों के बीच मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि यही बच्चियाँ हैं जो समाज में, राष्ट्र में, राज्य में उन्नति के शिखर पर जा सकती हैं। और जो आज समाज की जो कई तरह की कृतियाँ, कई तरह की जो धाराएं चल रही हैं, उन धाराओं से अलग बच्चियाँ के शिक्षा के साथ साथ समर कैंप में अपने को समय का जाया नहीं करके के, बल्कि उनको कई तरह के स्किल उनको दे करके के उनको मेहंदी का, उनको मेकअप का, उनको संगीत का, उनको कंप्यूटर का जैसा बताया गया, इससे शिक्षा से लोगों को जागरूक करना और बोध प्रोध करना, जो नारी सशक्तिकरण की बात है, सिर्फ बात नहीं बल्कि उसको प्रयोग करके के उसको लागू करने का काम भाई अवध मोहन जी और ज्ञान सागर फाउंडेशन के द्वारा हो रहा है। देखिए, ज्ञान सागर फाउंडेशन बच्चों को समर वैकेशन में स्किल डेवलपमेंट का काम सिखाती है, जिसमें सिलाई कटाई रंगाई, मधुबनी पेंटिंग, लोकल पेंटिंग, स्कल्पचर बनाना, नीटिंग, सीइंग, इस तरह का कार्यक्रम सिखाया जाता है। और ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की गारंटी हो जाती है जब आप स्किल्ड हो जाते हैं। मेहंदी लगाना ये बहुत, ये इट्स एन आर्ट, और इस आर्ट को लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। ज्ञान सागर फाउंडेशन बच्चों को इकट्ठा करके निःशुल्क हम सब मिल करके कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं और इस कार्यक्रम को 10-11 वर्षों से चला रहे हैं, और इसमें कई बच्चे अच्छा कर रहे हैं। कई बच्चे अपना ब्यूटिशियन का कोर्स सीख करके ब्यूटी पार्लर चला रहे हैं, कई लोग नीटिंग का, स्विंग का, सिलाई कटाई केंद्र खोले हुए हैं। मेरा मानना है कि इस तरह का कार्यक्रम अगर होता रहेगा तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है वो तो अपने स्तर से कर रही है, लेकिन हम जो गैर सरकारी काम करने वाले लोग हैं, एनजीओज, यह जो एनजीओ है इस, ये कोई वित्त प्रदत्त नहीं है, अभी तक सरकार इसको पैसा नहीं देती, फिर भी हम लोग सब कंट्रीब्यूट करके इस कार्यक्रम को चलाते हैं। और आज राजमहल रिजॉर्ट में यह कार्यक्रम हो रहा है और सैकड़ों में बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कई तरह का आर्ट आपको देखने को मिल रहा है, कई तरह का बिहारी एसेंस आप देख सकते हैं, बच्चे कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लोग नाचते हैं, गाते हैं, लोक नृत्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन लगातार होते रहना चाहिए जिससे बच्चों में स्किल पैदा हो। देखिए, ज्ञान सागर फाउंडेशन जो है लगभग 8-9 से ही ये कार्यक्रम करते आ रही है, कंटिन्यू करते आ रही है। समर कैंप या विंटर कैंप हमेशा लगाते आ रही है, समर विंटर कैंप। और इस मौके पर हम लोग सिलाई, मेहंदी, जरी कढ़ाई, ब्यूटिशियन, कंप्यूटर हम लोग सिखाने कम किए हैं, और प्रत्येक साल उसमें से 100 में से 25% आत्मनिर्भर बढ़ रहे हैं, माने वो अपने ब्यूटिशियन का अपने खुद दुकान खोल लिए और पैसा उपार्जन कर रहे हैं, सिलाई का काम करके वो भी कर रहे हैं। देखिए कितने लोगों, कितने बच्चों पर, संजना भी पहले स्टूडेंट थी, अभी खुद अपने सिलाई कर रही है, तो पता करें इस बार खुद टीचर है। हमारे सिमरन जो है पहले सीखती थी, अभी इस बार सिखा रही है, माने हमको बहुत अच्छा लगता है। अभी एक चाय वाली जो कि MBA की हुई, मोना पटेल MBA की UPSC की तैयारी कर रही है, तो आत्मनिर्भर चाय वाली बिल्कुल। कोई भी काम खराब नहीं होता है, काम जो होता है सब अच्छा होता है। आप किसी भी क्षेत्र में आप हीरो बन सकते हैं, ये नहीं कि आप फिल्म में हीरो बनेंगे। आपका अच्छा खाना बनाने वाला है तो उसमें भी आप अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा पेंटिंग करते हैं, अच्छा सिलाई करते हैं। आज कार्यक्रम हुआ आज जो है संस्था की तरफ से जो भी टीचर लोग जो अच्छे से सीखे हैं उनको हम लोग सम्मानित करने का काम करेंगे। जो मेहंदी सिलाई से पेंटिंग में सीखे, डांस सीखे, उनके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और संतावना पुरस्कार से हम लोग उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। कितने बच्चों ने प्रशिक्षण लिया इस बार? लगभग 200 में हम लोग का प्रशिक्षण लेने का काम किया। ज्ञान सागर फाउंडेशन के द्वारा आयोजित फोटो भी, सर एक मिनट फोटो भी ले लीजिएगा।
ज्ञान सागर फाउंडेशन के द्वारा आयोजित 15 दिवसीय निःशुल्क समर कैंप में जितने भी महिला प्रतिभागी और बच्चे प्रतिभागी थे उन सभी का हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और अभिवादन करते हैं। और ज्ञान सागर फाउंडेशन का यह जो प्रयास है काबिले तारीफ है, खास करके अवध किशोर मौर्या जी का, जिन्होंने कि इतने खूबसूरत रूपों से सभी को पिरोया है। और आज के डेट में इस तरह का कार्यक्रम जैसे कितना मनोबल बच्चों में कितना उत्साह बढ़ता है। इसके बाद सर आज के डेट में कौशल विकास जो है वह हर बच्चों के लिए अनिवार्य है, क्योंकि लोग सिर्फ किताबी ज्ञान लेकर करके एक क्लर्क बन सकते हैं, लेकिन कौशल विकास के द्वारा जब अगर उनके अंदर स्किल का डेवलपमेंट होता है तो एक संपूर्ण नागरिक बन सकते हैं। बीच हम लोग अपने ज्ञान सागर फाउंडेशन कैंप्स में अपने बच्चों को सिलाई कढ़ाई ब्यूटिशियन हैंडक्राफ्ट फ्लावर मेकिंग डांस मेहंदी ये सिलाई ये सब प्रशिक्षण देने के बाद बच्चे किस तरह से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। प्रशिक्षण देने के बाद बच्चे लोग इंडिपेंडेंट बनेंगे आने वाले कल में अपने करियर में भी आने वाले कल में फोकस देंगे, अपने करियर को देखेंगे और देखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि छोटे ही से इंसान बड़ा बनता है।